आप जानते हैं हमारा मल्लिका घटक बाबू जो हैं बहुत बढ़िया पुराने सीजन लीडर हैं, वो बहुत एक्सपीरियंस हैं, उनको एक्सपीरियंस है और जनता का प्यार, जनता का समर्थन आपने आसनसोल की और बंगाल के लोगों को मेरे प्रति देखा है। पिछली बार उपचुनाव हुआ था, उस उपचुनाव में आपने देखा कि तमाम कोशिश के बावजूद लोगों को दीदी का अपमान का भी बदला लेना था, जो दीदी को दीदी और दीदी कहकर जो ड्रामा करते थे वो माननीय प्रधानमंत्री जी, और उसके बाद मैं आया उनका वो सही मायनों में जीत, पिछली बार जो रिकॉर्ड मतों से जीत हुई थी वो सही मायने में तृणमूल कांग्रेस और ये ममता जी की जीत थी। ममतामयी ममता जी जो आयरन लेडी भी हैं और देश की पुकार है आयरन लेडी की, समाज को जरूरत है आयरन लेडी की, और मैं हमेशा ममता जी के लिए कहता हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट प्रोमिनेंट, मोस्ट पावरफुल और मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं देश में वो, तो उनकी जीत थी, आसनसोल की जनता जनार्दन की जीत थी सही मायनों में, मैं तो एक माध्यम बना था। आज पुनः आपने जो सवाल किया उस सवाल का एक शायद जवाब ये भी हो सकता है कि ममता जी ने सबसे पहले मेरे नाम की घोषणा की थी, सिर्फ बंगाल में नहीं उस तरह से पूरे हिंदुस्तान में मेरे नाम की पहली घोषणा हुई थी। तो जो उनका विश्वास है, ममता जी का नेतृत्व, ममता जी का व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी इन टोटैलिटी, उनकी लीडरशिप, उनके प्रति फॉलोइंग, ऊपर से मेरा आ जाना तो साथ में फिर से और पहला कैंडिडेट होकर, तो मैं समझता हूँ इन बातों को देखते हुए यहाँ की आसनसोल की जनता जनार्दन और बंगाल की आवाम इस बात से सहमत है कि हम हो सकता है हमारे प्रति कि इस बार एक नया रिकॉर्ड कायम कर पाए पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए, इसीलिए कहा है नीरो।